कि मेरी जवान बेटी, मेरी जवान माँ, मेरी जवान लड़की उन गैरों के ऑफिसों में जा करके कर्ज लेकर के आती है और मैं सारे हफ्ते उस कर्ज की किस्त चुकाने में लग जाता हूँ। मेरी औरतें बेगाना हो गई। और अपनी औलाद को बतला दो कि सब कुछ लुट सकता है, सब कुछ का, सारी चीजों का सौदा किया जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सौदा हरगिज नहीं किया जा सकता है। जमीयत उलमाए हिंद के तमाम अगराद व मकासिद को अगर किसी सांचे में ढाला जा सकता है तो तीन चीजें निकल कर के सामने आती हैं, जिस पर जमीयत उलमा की ये बुलंद बाला इमारत कायम है। निजाम तालीम और निजाम तबलीग और इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा जमीयत उलमा के बुनियादी कामों में से एक काम है। आज पूरे मुल्क से लोग आए हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। हजरत सदर मोहतरम के हुक्म से जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इस्लाह मुआशरा का निज़ाम चलाया जाता है। आज इस मुस्तनद स्टेज से आप सब हजरात को इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में वो बुनियादी नकूश दिया जा रहा है कि जिस पर चल करके इस्लाह मुआशरा और मुल्क के अंदर फैलने वाले इर्तदाद की सारी लहरें ख़त्म और खाक में मिल सकती हैं। वो बुनियादी चीज ये है कि इस्लाह मुआशरा समाज और सोसाइटी के अंदर भलाई और बेहतरीन नस्ल इंसानियत पैदा होने का वाहिद रास्ता ये है कि हम सब मिलकर के अपनी औलाद की सही और शरी एतबार से तालीम और तरबियत करें। अगर हम अपनी औलाद की तरबियत सही अंदाज में करेंगे तो याद रखिए समाज में फैलने वाली तमाम खराबियां वो सब के सब खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के नबी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अदिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन। ऐ लोगों, अपनी औलाद की तरबियत करो और तीन आदतों की तरफ मुतवज्जह करो और तीन आदतें उनके अंदर पैदा करो। सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी औलाद के दिलों में, उनके जहनों में, उनके रगो रेशे के अंदर बचपन ही से रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा कर दो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करो और अपनी औलाद को बतला दो कि सब कुछ लुट सकता है, सब कुछ का, सारी चीजों का सौदा किया जा सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सौदा हरगिज नहीं किया जा सकता है। अल्लाह के नबी की मोहब्बत और ये बच्चों के दिलो दिमाग में इस चीज को बिठा दो कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे ईमान की मेराज है, कमाल ईमान का मदार रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर है। मेरे भाइयों, अल्लाह की नबी की मोहब्बत दुनिया और आखिरत की दौलत है। मैं आपके सामने एक अल्लाह के नबी की हदीस पेश करता हूँ। तिर्मिजी शरीफ के अंदर रिवायत है, एक साहब, एक गांव के एक साहब, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और फरमाया, अरे अल्लाह के नबी, मदसा कयामत कब आएगी। हदीस में है कि अल्लाह के नबी नमाज के लिए जा रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया, नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा और पलट गए। फरमाया, मनी साइल, कौन है सवाल करने वाला जो ये सवाल कर रहा था कि कयामत कब आएगी। सहाबी खड़े हो गए और अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैंने सवाल किया था कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी ने पलट करके उनसे सवाल किया कि ये बतलाओ कि मां आदत तलहा, तुमने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है। वो सहाबी सहाबी थे, सहाबी के जो दिल में होता है
वही जुबान पर होता है। सहाबी ने कहा, अय अल्लाह के नबी, मा आदतु लहा ला कबीर सलातिन वला सौमिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु। अय अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई नमाजों का पिटारा नहीं है, रोजों का अंबार नहीं है, लेकिन एक दौलत मेरे दिल में बस रही है कि मैं अल्लाह और उसके नबी से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, ये अल्लाह के नबी का जवाब लेकर के यहां से जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आए सवाल करने वाले सुनो, कयामत तक आने वाली नस्ल इंसानियत सुनो। फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता। याद रखो, आज दुनिया में जो आदमी जिससे मोहब्बत और दिल का लगाव पैदा करेगा, कयामत के दिन भी वो उसी के साथ उठेगा, और तुमने जिससे मोहब्बत का दावा किया है, कयामत के दिन भी तुम उसी के साथ होगे। इस हदीस के रावी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, सहाबे किराम इस जुमले को सुनकर इतना खुश हुए कि मैंने इस्लाम की जिंदगी में कभी भी सहाबे किराम को इतना खुश होते हुए नहीं देखा था। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे लिए बुनियाद है। हम सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जनाजा, उसका एक हर्फी अपने दिल से निकाल नहीं सकते, अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। फरमाया, दूसरी चीज अहले बैत की मोहब्बत, बच्चों के दिल में रसूलुल्लाह के घर वालों की मोहब्बत उनके दिल के अंदर डाल दो। ये पैदाइश के बाद से जब बच्चा होश संभाले कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इफ्तहु, सबसे पहला कलमा फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह उनकी जुबान से कलवाओ, और कयाम और मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। फिर फरमाया, आखिरी चीज व तिलावतुल कुरान करीम, कुरान करीम की तिलावत, कुरान करीम के अल्फाज से मोहब्बत, कुरान के हलाल को हलाल और कुरान के हराम को हराम अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर भर दो कि मेरा कुरान, मेरा अल्लाह मुझे ये कहता है, मुझे इस बात की दावत देता है। मेरे भाइयों, कुरान हमारी जिंदगी का दस्तूर है, कुरान हमारा आईन है, आईन शरीयत है। कुरान को लाजिम पकड़ना होगा। ये जमियत उलमा के स्टेज से आपको दावत दी जा रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्नहा सतकूनु फितना। ऐ लोगों, आगाह हो जाओ, फितने आएंगे, आजमाइशें आएंगी, बलाएं आएंगी, दुनिया की भी आएंगी और आसमानी भी आएंगी। सहाबा के कलेजे हिल गए। फरमाया, अल्लाह के नबी, मल मखरजु मिन्हा या रसूल अल्लाह, उन फितनों से निकलने का रास्ता क्या होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान है, कुरान है। क्यों? फीही नबाउ मन काना कबलकुम व खबरु मा बादकुम व हुक्मु मा बैनकुम। ये कुरान है जिसमें तुम्हारे पिछले लोगों के हालात की भी इत्तला है, तुम्हारे बाद में आने वाले लोगों की भी खबर है, और तुम्हारे झगड़ों का फैसला भी इसी कुरान में मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान पकड़ो, हालात को सुधारो। ये मसाइल, ये उलझने, ये परेशानियां, ये हमारे आफतों और मुसीबतों की वजह से आ रही है। मैं आपको एक बात की तरफ तवज्जो करके मैं बात को खत्म करता हूं। आज तक हम रोते थे, हमारे बड़े परेशान थे कि दुनिया नशा कर रही है, दुनिया सट्टे और जुए खेल रही है। आज जो सबसे ज्यादा हालात हैं, वो सूद की बीमारी हमारे अंदर जन्म लेती जा रही है। और सूद भी कैसा? बैंक का सूद नहीं, साहूकारों का सूद नहीं, बनियाओं का सूद नहीं, वो बंधन बैंक, वो जगह जगह गांव और देहातों में
जहां सूद और कर्ज देने वाले वो चोर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ औरतों की आईडी पर औरतों को ही देते हैं, उनके नुमाइंदे औरतें हैं, हमारे मर्द घरों में बैठे हुए सो रहे हैं। मेरा कौन सा कलेजा है, कौन सा हमारा दिल है जो इस बात पर राजी होता है कि मेरी जवान बेटी, मेरी जवान माँ, मेरी जवान लड़की उन गैरों के ऑफिसों में जा करके कर्ज लेकर के आती है और मैं सारे हफ्ते उस कर्ज की किस्त चुकाने में लग जाता हूँ। मेरी औरतें बेगाना हो गई, बीवी मेरी है लेकिन उसके ऑफिसों में वक्त गुजार रही है। हमारी अब हमारी सोच और फिक्र पर लानत है ऐसी। इसलिए मेरे भाइयों सोचो और सूद से निकल करके बाहर आओ। इस्लाह माशरा को हर गांव, हर गली, हर मस्जिद के हलके में इसको परवान चढ़ाओ ताकि मेरी कौम इन लानतों से बाहर आ सके। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।